हेलो दोस्तों, तो आप सभी का आज के व्लॉग में स्वागत है। आप सभी को मुझे बधाई देनी चाहिए क्योंकि आज मैंने बाइक ले ली है जो कि 2,70,000 रुपए की मुझे पड़ी है, जो कि बूमर बाइक है जो कि जावा की है। तो सभी को आज मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहिए। और ये बाइक दोस्तों यूट्यूब की मनी से कमाई है। दोस्तों जब मैं आज शॉप पर गया तो गजब ही हो गया। एक बाबा आ गया शॉप पर जो कि अपने पास चाबुक लेके आए थे और वो चाबुक से खुद को इतना खतरनाक मारने लगे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। दोस्तों जब उन्होंने दो बार मार लिया तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया था, फिर मैंने उनको एक और बार बोला मानने के लिए। दोस्तों तो आज हम चलेंगे हमारी न्यू बाइक लेने, तो बिना देर किए हम चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले बेटमा में ही देखेंगे कि अगर कोई बेटमा में अच्छी बाइक मिल जाती है तो बेटमा से ले लेंगे, और अगर बेटमा में नहीं मिलती है तो हम चलेंगे कोटी। तो अभी हम बेटमा से निकल चुके हैं। दोस्तों आज हमें बड़ा दुख हुआ क्योंकि हम जो बाइक लेने गए थे शोरूम पर वो बाइक वहाँ पर एक ही थी, और जैसे ही हम वहाँ पर पहुंचे वो बाइक वहाँ से बिक गई और हमारे आँख के सामने ये बाइक वो भैया ले जा रहे हैं। उसके बाद हम बहुत देर वहाँ पर बैठे और वहाँ के मैनेजर से बात करी और तरह तरह की वहाँ पर गाड़ियाँ देखी, लेकिन वो जो हमें गाड़ी चाहिए थी वो नहीं मिली। उसके जैसी गाड़ियाँ तो काफी थी, बाकी जो कलर हमें वहाँ पसंद आया था वो हमें नहीं मिला। उसके बाद हमें भूख लगने लग गई थी तो हम होटल पे आए और मैंने और मेरे फ्रेंड ने वहाँ पर कचौरी और दो चाय हम दोनों ने वहाँ पर पी ली। उसके बाद हम दूसरे शोरूम के लिए वहाँ से निकल गए क्योंकि हमें तो वही बाइक चाहिए थी, लेकिन वो बाइक तो बेटमा में मिल नहीं रही थी। इसलिए हमने बड़ी मुश्किल से फिर डिसीजन लिया कि चलो हम अब चलते हैं कोटी पर। कोटी का रास्ता दोस्तों बहुत ही खराब, लेकिन फिर भी हम कोटी के लिए वहाँ से निकल गए हैं। कोटी जाने के रास्ते में दोस्तों आप सभी को मैं अपना स्कूल दिखा देता हूँ जो कि मुझे बहुत प्यारा था और पहले मैं यहीं पर पढ़ाई करा करता था। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा स्कूल जहाँ पर मैं पहले पढ़ाई करता था, लेकिन अब तो मैं कॉलेज में आ चुका हूँ। दोस्तों आपने रोड तो बहुत देख लिया, अब आप हम दोनों का भी फेस देख लीजिए क्योंकि हम दोनों भी जा रहे हैं बाइक लेने, वो भी कोटी में। अगर वहाँ पर नहीं मिलती है तो हम चलेंगे घाटा बिल्लोद, लेकिन आज हम बाइक लेकर ही रहेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कोटी का रास्ता बहुत खराब है, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए कि इतना खराब रास्ता है कि आपको बाइक इतना धीरे चलानी पड़ेगी, आपको इतना गिरने का डर रहेगा, लेकिन आप बहुत ध्यान से वहाँ पर जाइएगा क्योंकि वहाँ का रास्ता दोस्तों काफी खराब है। रास्ते में दोस्तों हमें हमारे दोस्त मिल गए तो हम उनके पास थोड़ी देर रुके और हमने वहाँ पर थोड़ी उनसे बात की, और भैया जो हमारे साथ वाले थे तब तक उन्होंने कैमरा लेकर खुद से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं तो अपने फ्रेंड्स से बात करने में बिजी था, लेकिन वो खुद की पता नहीं क्या क्या वीडियो बना रहे थे। दोस्तों तो अब हम आ चुके हैं कोटी के जो होंडा के शोरूम है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आने पर हमें पता लगा है कि यहाँ तो वो बाइक है ही नहीं। इन भैया ने बताया कि इनका शोरूम है जो चेंज हो चुका है, और जो इनका नया शोरूम है वो दूसरे रोड पर खुल चुका है। तो यहाँ पर ये सिर्फ गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह करते हैं, तो इन्होंने बोला है कि आप वहाँ पर चले जाइए और वहाँ पर आपको वो बाइक मिल जाएगी। रास्ते में दोस्तों में ये भी बाइक मिली। उसके बाद दोस्तों हम जो है उनके जो नया वाला शोरूम है वहाँ पर आ चुके हैं, और आप ये देख सकते हैं कि आसपास ब्रिज है ऊपर, लेकिन वहाँ पर भी हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि वो गाड़ी हमें मिल पाएगी क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अभी दीपावली का सीजन चल रहा है, तो जो गाड़ियाँ वगैरह थी वो इतनी वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। दोस्तों जब हम वहाँ पर शोरूम के अंदर गए तो हमें वहाँ पर भी बाइक नहीं मिली, इसलिए हम फिर निकल गए वहाँ से देखने के लिए ये हम घाटा बिल्लो चलते हैं। उसी बीच दोस्तों हमें रास्ते में बहुत सारी बाइक्स वगैरह वहाँ पर खड़ी हुई मिली, तो हमने बोला एक बार यहाँ पे पूछ लेते, अगर हमें वो बाइक नहीं जमे तो कोई अच्छी दूसरी बाइक हम ले लेंगे। हम रास्ते में शोरूम ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, इतने ही टाइम में हमें वहाँ पर एक बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिली, और वो शोरूम था दोस्तों टीवीएस का। टीवीएस की वहाँ पर सभी तरह की बाइक्स और स्कूटी रखी हुई थी, तो हमने सोचा कि एक मिनट वहाँ पर भी रुक के देख लेते, अगर कोई हमें बाइक पसंद आती है तो हम वहाँ पर भी देख लेंगे। दोस्तों वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ रखी थी, लेकिन वहाँ पर एक गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई है जो कि थी टीवीएस राइडर। दोस्तों ये गाड़ी हमें 1,07,000 रुपये में पड़ने वाली थी, जिसकी कीमत हमारी होस्टल से थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी हम भैया के पास गए और उन्होंने बोला अभी ऑफर चल रहा है 1,50,000 रुपए का, तो हमें वो 1,50,000 रुपए का फायदा मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने गाड़ियों वगैरह के लिए फोटो वगैरह वहाँ पर खींचा और हम भैया के पास चले गए उनके पास गाड़ी का जो भी डिटेल्स वगैरह थी वो लेने, और कितना इंटरेस्ट वगैरह लगेगा वो सब उनसे हमने फिर बात की। दोस्तों ये आप देख सकते हैं टीवीएस राइडर का यहाँ पर ये सब रखी हुई है। ये जो गाड़ी आपको दिख रही है ये टीवीएस राइडर है, जो कि बहुत शानदार लग रही है। गाड़ियाँ तो दोस्तों आती जाती रहेगी, लेकिन वहाँ पर ब्लॉग बनाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमने वहाँ पर एक कैमरा लेकर वहाँ पर ही घूमना स्टार्ट कर दिया, और आसपास का जितना भी व्यू था वो सब हमने एक ही बार में वहाँ पर कवर कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं अंदर के ऑफिस में, और भैया से हमने गाड़ी का कोटेशन बनाना स्टार्ट कर दिया, तो भैया ने बताया कि प्राइस जो गाड़ी की है वो 1,17,000 है। तो हम वहाँ पर चौक गए और फिर हमने सोचा कि चलो जो भी है कोटेशन तो आप बनाओ 3 साल के लिए। भैया ने जैसे ही वहाँ पर कोटेशन बनाया, हम वहाँ पर
जो आइट साइड बाइक रखी हुई थी उनका एक व्यू हमने ले लिया और वहाँ पर जितनी भी बाइक्स रखी थी उनका एक फोटो वहाँ पर और वीडियो हमने वहाँ बना ली जाते हुए। दोस्तों ये सभी आप बाइक से यहाँ पर देख सकते हैं कितनी प्यारी ये हमारी गाड़ी लग रही है। दोस्तों आज हमारा शोरूम का दूसरा दिन था लेकिन आज भी हम कुछ बाइक नहीं ले पाए, इसलिए हम अब जो थर्ड व्लॉग रहेगा उसमें तो पक्का बाइक लेकर ही रहेंगे। धन्यवाद।